अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वी व्लॉग। हाँ भाई, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाफिज साहब अभी गए हुए हैं, और हाफिज साहब के जाने का जो है ना, ऐसे हम लोग आदि हो गए। हाफिज साहब गए हुए ना, टेंशन वेंशन नहीं हो रही है। दूसरा ये कि भाई बहुत दिनों से ना मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा हूँ, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने का। जो लोग चैनल पर अभी नए आए हैं उनको मैं बता दूं, वैसे जो पुराने लोग हैं उनको तो ऑलरेडी पता है भाई, आपका भाई एक मल्टीनेशनल प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब करता है। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं यार, सभी लोगों को पता है कि जॉब करना कितना मुश्किल है, टाइम ही नहीं मिलता, खाना खाने का, वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता है यार, और उसके अंदर ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बहरहाल आज आपके भाई ने थोड़ी सी हिम्मत करी, बोला यार चलो आराम से, आराम तो सारी जिंदगी करते रहेंगे, आज जरा अपना कैमरा ऑन कर लेते। तो आपके भाई ने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया है। भजन ये आ गई है डॉक्टर फातिमा। अरे डॉक्टर साहिबा, इलाज कर दें इस मुन्ने का, इलाज कर दें आप इस मुन्ने को, जो है ना बोल केले बहुत खाता है। देखिए जी, ये सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा जो है उनका इलाज करें, और डॉक्टर साहिबा यहाँ पोज देकर तस्वीरें खिंचवा रही है। अरे वो तुम्हारे पेशेंट को भगा देगा, तो दिखाओ तो ये क्या है। अरे सिद्धू फीडर भी है, ये कौन पिएगा? डॉक्टर साहिबा पेट में बहुत दर्द है, कोई दवा है आपके पास? कौन सी दवा है? अरे माशाल्लाह से क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? अरे वाह भाई, अच्छा। और आप इसको खाएंगे तो आपके पेट का दर्द सही हो। इस वाले पेशेंट को कौन सी दवा दी है? इसको क्या मसला है? इसको तो पीलिया हो गया लग रहा है। और इसके इसके सर के बाल चले गए, इसके सर के बालों का इलाज कर दें डॉक्टर साहब। और ये हाय 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 हाय, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, बस इसके साइड में ये जो दो तिल निकल आए ना लाल कलर के, क्या गजब हो गए। ये छोटा बच्चा किसका है? मेरा। ओ ये अफ्रीका से भी आए हुए भाई इलाज करवाने यहाँ पर। डॉक्टर साहिबा आपका साइड ये रहा, मेरा भी चेकअप कर दें। अच्छा जी, अभी जरा बाहर जा रहे हैं, बेगम साहिबा कहेंगे यार वो चश्मे की ना एक जैकेट ले लें, उन्होंने एक सस्ती सी 600 रुपए की जैकेट देखी है, और कह रही है वो 600 रुपए वाली जैकेट जो है ना आप बहुत, उसकी वैल्यू 6000 की हो जाएगी। मैंने बोला यार वैसे तो आज हंसने की बात ही, सच बता रहा 6000 की हो जाएगी। चलो चलते हैं, चलो 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 आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। बाइक पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम नहीं चल रही? नहीं चलनी, पक्की बात है? चलो सही है। अरे भाई ये क्या हो गया, तो पंचर है यार। अरे यार मैंने देखो तुम्हें जब ही कहा है फिदा के तुम नहा के आया करो यार, देखो तुम्हारी वजह से बाइक भी पंचर हो गई। हाय 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 हाय, भाई साहब अभी हमारी गाड़ी हो गई है पंचर, और बेगम साहिबा ये गाड़ी भी। आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए है? क्या चीज? लेस नहीं लेते ना ही लेस, ये चीटोस, चीटोस देखो कौन सी कंपनी का होता है, ये चीटोस कौन सी कंपनी का होता है? काय मदर को यहाँ पर झूला दिख गया। अभी बैठना ही नहीं, बैठना नहीं बैठना। अबे साले तो फिर लेके क्यों आया यहाँ पे, चलो घर। तो भाई साहब अभी हम आ गए अपनी सिस्टर के घर पर, कायम साहब बैठे रहना। हम लोग चोर आए हैं, चोर खोले जी, हम लोग चोर है, चोरी करने आए हैं। आपके घर में कुछ कीमती सामान है क्या? कीमती सामान है तो प्लीज बता दे, नहीं तो हम ऐसे चोर हैं मेहरबान, चोर खुद भी ला भाई दे दो, बड़े मजलूम लोग हैं। चलो भाई चलो चलो दोबारा चलो, ये तुम्हारा येलो ऑफिस का, ये हमारा कार्ड रख ले, और 5 लाख की ज्वेलरी दे दे, 5 लाख पैसा ही पैसा हो गया भाई। इसकी लेबर तो 10 लाख की, तो 10 लाख में जो ज्वेलरी आए वो दे दिए भाई। यार यार जिधर से जिसको ज्वेलरी चाहिए यहाँ से आए, और भाई के नाम पर आएगा तो कोई ना कोई डिस्काउंट भी मिल जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, कार्ड भी चलता है यहाँ पर। तो बेगम के लिए हमारे निकालने 5 लाख की अंगूठियाँ निकालने के अच्छी लगे भाई, सारा पैसा हमने खर्च कर दिया बेटी का है पैसा निकालने के लिए, आज हम पूरी मार्केट लूट के जाएंगे। हमें जितने 5-10 लाख सब निकाल लो, सब बाहर निकाल लो भाई। मूंगफली का सीजन आ गया है, और आप ये देख रहे हैं, ये अभी हमने मूंगफली लिए 50 रुपए की, दुनिया के सबसे छोटे शॉपर में ये मूंगफली मिली है हमें 50 रुपए की। चलो भाई पकड़ लो, पूरी रात खाएंगे। अब अभी हम अपने घर पहुंच गए, और ये हमारा बंदर आ गया। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो बंदर घर चलो। छोटा सा पैकेट है, आज तो हमारी अम्मी खुश हो जाएंगी, इतनी मूंगफली मैं लेकर आ गया हूँ। ले भाई अम्मी, आपके लिए मैं मूंगफली लेकर आया हूँ। जी लेट मी क्लियर वन थिंग, हम भाई एक अपर लेना था, मैं उसके लिए गए थे मार्केट, कोई हमें बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी थी, कोई हमारे पास पैसे वैसे खत्म नहीं हुए थे, बल्कि जो कैश लेके गए थे ना भाई वो भी सब बचा कर लिया है।
यार महंगाई बहुत है और मैंने सोचा कि कुछ लोग बेरा सोचे कि यार बड़ी शॉपिंग है वॉपिंग कर रहे हैं और सारे पैसे खर्च करके एटीएम खाली कर दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कपड़ लेना था, ये आपका भाई जी है सुबह ऑफिस जाता है, सर्दियाँ बढ़ गई और बाइक पर कोई 15 किलोमीटर का सुबह 7 बजे जो है मुझे सफर करना होता है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी यार। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहा मैं। अगर आप लोगों ने सोचे ना कि मुंबई में बड़ा पैसा आ गया फोन करके उधार उधार मांग लेते, ऐसा किसी ने नहीं करना। कोई पैसे वैसे नहीं अपने पास, बस यही पैसे है जो जेब में है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? पागल बच्ची मेरे आगे आगे जा रही है। छोटे साहब इधर आओ। आइसक्रीम और क्या 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 मूंगफली ये रही, मूंगफली चाहिए तुम्हें? वो देखो बेड के पीछे घुस गई है। जाओ जल्दी से जाओ, चूहा लेके वहाँ चला गया है। जाओ जाओ जल्दी से निकाल ले, लेके आओ। वाह यार सच्ची, चलो इसी बात पे चाय पिला दो। अच्छा जी, कुछ लोग जो है ना वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये मून भाई आजकल बड़ी कॉमेडी वगैरह कर रहे हैं, इतनी कॉमेडी ये करते तो नहीं थे। तो भैया इसकी वजह ये है कि जैसे मैं अपने घर में मजाक किया करता था, एंजॉय किया करता था, अब जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किए हैं तो जाहिर सी बात है जो मैं मस्ती मजाक करता हूँ वो सारी चीजें अब व्लॉग में रिकॉर्ड हो जाती है। भैया ऐसी तफरियाँ करते हैं हम लोग। तो बहरहाल अभी हमारी लाइट चली गई है और अब आप लोग भी चाहें यार चले बस खत्म करें कहानी यार। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।